हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जियो राउटर का उपयोग करके अपने लैपटॉप पीसी या कंप्यूटर पीसी में इंटरनेट कैसे एक्सेस करें। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, यदि आपके पास स्मार्टफोन हो तो वाईफाई और हार्ड स्पोर्ट तथा केबल का उपयोग करके USB टेथरिंग के द्वारा इंटरनेट को कैसे एक्सेस करें। और साथ ही साथ हमने बताया था कि यदि आपके पास नेट सेटर या डोंगल या फिर क्रैकर हो तो उसकी मदद से इंटरनेट कैसे एक्सेस करें। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपके पास स्मार्टफोन भी ना हो और नेट सेटर भी ना हो तो भी आप अपने PC में इंटरनेट को कैसे एक्सेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कीजिए। उसके लिए दोस्तों आपको मार्केट से परचेज करना होगा एक जियो का राउटर, जो कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में। ये जियो का राउटर इस समय अलग डिजाइन और अलग शेप में मिल सकता है, चूँकि ये थोड़ा पुराना है इसलिए ये छोटे शेप में है। लेकिन दोनों का कार्य एक जैसे ही होगा अगर जो मार्केट से आप परचेज करते हैं और शेप दूसरा हो तो। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और ये कैसे हमें एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हम इसे सीख लेते हैं कैसे ओपन करना है। तो इसको चारों तरफ से जब आप निरीक्षण करेंगे तो देखेंगे एक तरफ इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे एक खांचा बना हुआ है। तो आप यहाँ पर अपना अंगूठा लगाएं और इसे नीचे की तरफ हल्का सा पुश करें। जैसे ही पुश करते हैं ऑटोमेटिक ही इसका कवर ओपन हो जाता है। तो ये ओपन हो जाता है, जैसा कि देखें ये ओपन हो चुका है। जैसे इसे आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर देखें यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। तो बैटरी को निकालने के लिए भी देखें यहाँ पे, जहाँ पे मेरी उंगली है नजर आ रही है, यहाँ पे एक खांचा बना हुआ है। हल्का सा उंगली को अंदर की तरफ रखें और इसे बाहर की तरफ बैटरी को खींच लें। तो इसके अंदर देखें तो पहले से ही सिम कार्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों आपको बारीकी से इस बात को समझना है कि क्या यह सिम कार्ड इसी के साथ मिलेगा। तो डिपेंड करता है यह इसके रेट पर कि आपने इसे मार्केट में कितने रुपए में परचेज किया है। यह 899 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का बाजार में मिलेगा। यदि आप 899 रुपए का परचेज करते हैं या 1000 या 1200 रुपए यानी कि 1200 रुपए का आप परचेज करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको यह जियो का डिवाइस मिलेगा, इसमें सिम कार्ड आपको नहीं मिलेगा। तो सिम कार्ड आपको अलग से परचेज करना होगा, लेकिन बेहतर होगा जब आप डिवाइस को परचेज करें तो उसी के साथ आप सिम कार्ड भी खरीद लें। तो जैसे ही सिम कार्ड आप खरीदते हैं तो आपका टोटल अमाउंट 1500 यानी कि 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक पे करना होगा। तो यदि आप सिम कार्ड भी परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए आधार कार्ड आइडेंटिटी के लिए लेके जाना होगा और यह सिम कार्ड चालू हो जाएगा। जैसे ही सिम कार्ड चालू होगा तो दुकानदार आपको इसमें लगा कर देगा और उसे एक्सेस करा कर देगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप इसे चालू करेंगे और कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में इसकी मदद से जब आप इंटरनेट को एक्सेस करेंगे तो इसके लिए पासवर्ड की ज़रूरत होगी। तो पासवर्ड अभी ध्यान से देख लें कि इसी के अंतर्गत जहाँ पर मेरी उंगली नज़र आ रही है यहीं पर IMEI मैक कोड और पासवर्ड नज़र आता है। तो इस पासवर्ड को देख कर अलग पहले नोट कर लें। तो चलिए इसे हम नोट कर लेते हैं एक बार देखकर। और स्क्रीन पर दिखाए गए इमेज में आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है कि इसका पासवर्ड और इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो हमने इसके पासवर्ड को नोट कर लिया है और सिम कार्ड ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है। यदि आप ये समझ रहे होंगे कि सिम कार्ड फिक्स है तो चलिए इसे भी निकाल कर एक बार चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं। पहले अपनी उंगली को रखें और हल्का सा इसे पुश कर दें राइट साइड, और तो देखें मेरे हाथ में ये सिम कार्ड आ चुका है। पुनः इसे वापस वैसे ही लगा लें। ध्यान रहे कि सिम कार्ड को लगाते वक्त इन खांचों को खांचों से ही मिलान करें। आप देख पा रहे हैं कि हमने खांचों से खांचों का मिलान करके इसे रख दिया है। फिर इसका कवर इस पर लगा दें। तरफ आपने पुश किया था, अब आपको अनदर साइड में आपको इसे पुश करना है। जैसे इसे पुश करेंगे हल्की सी साउंड के साथ यह यहाँ पे अटैच हो जाएगी, अब ये गिरेगा नहीं। अब आपको वापस पुनः इस बैटरी को उसमें लगा देना है। बैटरी को लगाने के बाद इसके कवर को बखूबी देख कर इसे लगाना है कि जिस तरह से था ठीक उसी तरह लगाए। तो हमने इसके कवर को भी लगा दिया हुआ है। कवर को लगाने के बाद देखें यहाँ पर एक बटन नजर आ जाए कि पावर बटन है, स्विच बटन है, इसे आपको एक बार प्रेस करना है कम से कम 5 सेकंड के लिए। जैसे इसे प्रेस करते हैं अगर जो इसमें लाइट जलता है या ऊपर कहीं पर भी कोई भी प्रतिक्रिया नजर आती है तो उसे आप छोड़ दें।
थोड़ी देर में ही देखेंगे कि यहाँ पे बैटरी, नेटवर्क, कनेक्टिविटी और WPS ऑप्शन भी दिखाई देने लगता है। और साथ ही साथ देखें यहाँ पे ब्लू कलर अगर जो नज़र आ रहा है नेटवर्क पर, तो इसका मतलब है कि यह नेटवर्क को अभी सर्च कर रहा है। अगर जो है ग्रीन कलर में दिखाई देने लगे तो आप समझ जाएं कि यह नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है, अब आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसा कि देखें अभी तो बिल्कुल ही लाइट नहीं नज़र आया, तो एक बार आप पावर बटन को प्रेस करके चेक कर सकते हैं। तो अभी भी ये सर्च कर रहा है, तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं इसे कनेक्ट करके कंप्यूटर में कि कंप्यूटर में इसे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों जब इसे मार्केट से आप परचेज करेंगे तो इसे चार्ज करने के लिए एक RD35 चार्जर भी मिलेगा, जो कि आपका मोबाइल का चार्जर है। आप चाहें तो मोबाइल के चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकते हैं। तो जो उसमें केबल आपको मिलता है RD35, एक तरफ RD35 और दूसरी तरफ आपको USB मिलता है, तो इसको क्या करना है आपको चार्जर के एडाप्टर में लगा देना है और दूसरे सिरे RD35 को देखेंगे तो इसमें चार्ज करने के लिए भी आप इसे लगा सकते हैं। तो देखेंगे इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे बैटरी का स्टेटस यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि बैटरी कितना परसेंट चार्ज है, और जब आप चार्जर में लगाते हैं तो यहीं पर बताया जाता है कि आपकी बैटरी कितने परसेंट चार्ज हो रही है, चार्ज हो चुकी है या फिर चार्ज हो रही है कि नहीं। अब ये तो रही प्रक्रिया चार्ज करने की, तो चलिए इस केबल को हम हटा देते हैं। अब जब यह काम करने लगे, जैसा कि देखें अभी ग्रीन भी दिख रहा था, कभी कभी ब्लू नज़र आ रहा है, यानी कि नेटवर्क कम पा रहा है, तो इसे आप उस जगह पर रख दें जहां पर कि नेटवर्क अच्छे से यह पा सके। तो ध्यान रहे कि इसे अपने कंप्यूटर से 30 मीटर की दूरी तक रख सकते हैं। कितने मीटर तक? 30 मीटर की दूरी तक रख सकते हैं, तो यह अच्छे से वर्क करेगा। तो चलिए इसे हम रख देते हैं और आ जाते हैं अपने PC पर। तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और देखें नोटिफिकेशन एरिया में तो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको वाईफाई। क्योंकि दोस्तों यदि आपके कंप्यूटर में अगर जो है इनेबल नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ है कि आपका लैपटॉप कंप्यूटर या फिर आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर वाईफाई इनेबल नहीं है। इंटरनेट के पुराने वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि यदि आपके PC में यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में वाईफाई इनेबल नहीं है तो उसमें वाईफाई डोंगल लगाकर आप इसे इनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बताया था यदि आपके लैपटॉप में भी ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए हार्डवेयर लगा सकते हैं, या फिर आपका लैपटॉप पहले से ही वायरलेस है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है तो उसका सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देख लें। अब इसे आप क्लिक करें और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे Jio Fi 2 और इसका नाम यहाँ पे नजर आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे नेटवर्क भी नजर आ रहा है। यदि ऐसा डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखें तो यहाँ पे रिफ्रेश ऑप्शन नजर आ रहा है, इसे क्लिक करके आप पुनः इसे रिफ्रेश कर लें। अब चूंकि अब पहले से नजर आ रहा है तो इसे क्लिक कर दें और यहाँ पे कनेक्ट ऑटोमेटिकली का अर्थ है कि यदि आप इसका चेक मार्क रखते हैं तो यह ऑटोमेटिक ही जब भी Jio Fi राउटर चालू होगा तो कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल इसे मैं हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे कनेक्ट को क्लिक कर देना है। जैसे ही कनेक्ट को क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी की मांगा जा रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी की कैसे देखते हैं और उसे मैंने नोट डाउन करके भी आपको दिखाया था, तो जो आपने नोट डाउन किया था उस सिक्योरिटी की को यहाँ पर आप टाइप कर लें। तो देखें हमने इसे टाइप कर दिया। यदि आप चाहते हैं कि कोई इसे न देखे तो यहाँ पे हाइड कैरेक्टर को क्लिक करके इसे आप हाइड भी कर सकते हैं। अब ओके को क्लिक कर दें। जैसे ऐसा करते हैं तो यह थोड़ी ही देर में आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। यह डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर और आपके कंप्यूटर के स्पीड पर। कभी कभी क्या होता है कि जियो राउटर ऐसे जगह पे आप रख देते हैं जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाता है, मतलब कि नेटवर्क वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, तो उस अवस्था में आप अपने PC में इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो देखें यहाँ पे अगर जो नोटिफिकेशन एरिया में माउस पॉइंटर इस नेटवर्क पर ले जाते हैं तो इस जियो राउटर का नाम और साथ ही साथ डिस्प्ले किया जा रहा है कि आपका इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो अब आप अपने कंप्यूटर से किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। तो हमने मोजिला फायरफॉक्स को क्लिक किया। चलिए अब देख लेते हैं कि कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो मोजिला फायरफॉक्स अपने होम स्क्रीन के साथ खुलकर आ चुका है। तो यहाँ एड्रेस बार में मैं गूगल सर्च इंजन को कॉल करूंगा, तो उसके लिए टाइप करना है www.google.com और एंटर की को प्रेस कर देना है। जैसे हम ऐसा करते हैं तो देखें यहाँ पे गूगल का होम पेज खुलकर आ चुका है। तो दोस्तों इससे यह पता लगता है कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है जियो राउटर की मदद से, लेकिन अभी भी हम कम्प्लीटली नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए चलिए एक वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। तो वीडियो प्ले करने के लिए यहाँ पे देखें पैटर्न मटन नजर आ रहा है, इसे क्लिक करना है और यूट्यूब के ऐप को क्लिक कर देना है। जैसे ऐसा क्लिक करते हैं तो यूट्यूब के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ट्रेंडिंग वीडियो को सबसे पहले दिखाई जाती है या फिर लास्ट टाइम में आपने जो वीडियो देखा वो वीडियो यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। यहाँ पर सर्च बॉक्स में आप जो देखना चाहते हैं
उसे यहाँ पर टाइप करके देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ टाइप करूंगा अपने चैनल को, जैसे मेरा चैनल पवन इन्फो टेक, तो मैंने टाइप किया और इंटर की को प्रेस किया। जैसे हमने प्रेस किया तो देखिए हमारे चैनल का नाम यहाँ पे नजर आ रहा है। तो दोस्तों यदि आपके कंप्यूटर में भी ऐसा नजर आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन रेड कलर में है तो उसे क्लिक करके आप ग्रे कलर में कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वो वीडियो आप देख सके। तो चलिए एक वीडियो को हम प्ले करके देख लेते हैं। जैसे देखें अभी अभी हमारे चैनल पर अंग्रेजी कैसे सीखे की वीडियो अपलोड की जा रही है, जिससे कि आप बहुत ही ग्राउंड लेवल से अपने इंग्लिश को सीख सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। तो मैंने इसे क्लिक किया और ये वीडियो अपने लेआउट के साथ प्ले होने के लिए तैयार है। साथ ही साथ देखें ये प्ले हो चुका है और ये प्ले हो गया है। इसका अर्थ यह है कि हमने इंटरनेट को एक्सेस कर लिया है जियो वाईफाई राउटर की मदद से। तो चलिए अब इसे हम क्लोज कर लेते हैं। अब हम सीख लेते हैं कि जब हम इंटरनेट का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में तो इसे डिसकनेक्ट कैसे करें। तो उसके लिए वापस जहां से आपने कनेक्ट किया था वही नेटवर्क पर क्लिक करें और जो नेटवर्क कनेक्ट होता है वो सबसे ऊपर डिस्प्ले आता है और यहाँ पे कनेक्टेड नजर आता है, तो इसे आपको क्लिक करना है और डिस्कनेक्ट को क्लिक कर देना है। तो अब देखें नोटिफिकेशन एरिया में तो पुनः पुरानी अवस्था में चले गए हैं और हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अब आप अपने जियो राउटर में जो पावर बटन या स्विच बटन जो हमने दिखाया था उसे पुनः दबा दें 5 सेकंड के लिए, इससे आपका जियो राउटर ऑफ हो जाएगा। अब यदि ऑफ हो गया हो तो उसका सारा लाइट ऑफ हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में कैसे पता लगे कि ऑफ है कि नहीं, तो कंप्लीट रूप में जानने के लिए पुनः अपने इस नेटवर्क बटन को क्लिक करें। तो देखें ऑलरेडी यहाँ पे ये दिख रहा है, तो एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करें तो बंद हो चुका होगा, तो यह यहाँ से गायब हो जाएगा। चलिए एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखें यहाँ से यह गायब हो चुका है। अगर जो आपके कंप्यूटर में ऐसा नहीं हो पा रहा है तो एक बार पुनः कंप्यूटर को रिफ्रेश कर लें और पुनः क्लिक करके देखें तो यह गायब हो चुका है। एक बार और रिफ्रेश करके देखें तो वह डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि जियो राउटर का उपयोग करके अपने लैपटॉप कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर में इंटरनेट को कैसे एक्सेस करते हैं। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको पासवर्ड नहीं पता हो या फिर पासवर्ड भूल गए हो तो बिना पासवर्ड जाने ही वाईफाई राउटर का उपयोग अपने पीसी में कैसे करें, और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि पासवर्ड को कैसे चेंज करें या नए पासवर्ड को कैसे लगाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।